में आके मुझे बहुत अच्छा लगा और रियली बहुत ही सुखद बड़ी आनंद की अनुभूति हुई है। कई बार अपना बचपन भी याद आ जाता है और आपकी संस्था बहुत अच्छी संस्था है निश्चित रूप से। इतनी देर में जो मैंने समझा, बच्चे बड़े अनुशासित हैं, बड़े संस्कारवान हैं और कर्मठ और मेहनती हैं। सर, आपको यहाँ की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी? मुझे यहाँ की सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगी और सभी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके दोनों उनके बीच में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। आप हमें कुछ उपदेश देना चाहेंगे जिसके कारण हम अपने देश में कोई नई सोच ला सकें? कोई उपदेश नहीं, केवल एक ही उपदेश है, अनुशासन, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा होना चाहिए और लंबी बड़ी सोच होना चाहिए। तीन चार चीजें बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। आपको हमारे प्रोग्राम में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बरेली क्षेत्र में एक ऐसा कार्यक्रम पहला है जो अद्भुत है। इससे हर लोग बच्चा बच्चा प्रभावित हो रहा है और आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं ये आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई नई सीख होगी। सर, आपको यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी? जो पुराने प्रवृत्ति में लोग कैसे जीवन यापन करते थे, आज वर्तमान की स्थिति में कैसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, वो जो झांकी बनी हुई थी पुराने, वो सबसे ज्यादा हमें प्रभावित हुई। और प्रशासनिक अधिकारियों को भी बहुत अच्छा लगा। लोगों ने सबसे ज्यादा फोटो अगर देखे, फोटो एसोसिएशन उसी झांकी पे हुआ है। आप हमें कुछ आइडियाज देना चाहेंगे जिससे हम हमारे देश की सोच को अच्छा कर सकें? लोगों को भविष्य में आप जब वोट डालने वाले हो जाएंगे तो आपको सही दिशा में एक आपका जनप्रतिनिधि चुनना है, क्योंकि देश का भविष्य हमेशा जनप्रतिनिधि ही तय करता है। जो हमारा देश का प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगर हमने देश का भविष्य को अगर मजबूती से चुन लिया तो जरूर हमारा देश एक मजबूत दिशा में आगे का भविष्य कदम बढ़ाएगा। जैसे अभी कदम दिन रात एक नई दिशा में हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है। थैंक यू सर। जय हिंद सर। आपको हमारे स्कूल में आके कैसा लगा? मैं संजय शर्मा, पत्रकार, बरेली जर्नलिस्ट हूँ। और आपने जो और बच्चों ने जो मेहनत की है वो वास्तव में स्कूल और बरेली तहसील को देखते हुए बहुत बढ़िया। CBSE स्कूल लायक जैसी लोगों ने जो मेले में पूरा प्रदर्शन करा है, बहुत मेहनत की है बच्चों ने। खाने पीने की चीज़ हो चाहे आपके पूरे बनाने को, सबसे अच्छा तो मुझे आदिवासी जो बेल्ट बनाया है जिसमें जो बच्चे वो एक धनुष लेके आदिवासी महिला का एक पैटर्न बनाया है वो सबसे टॉप लगा। और वहीं मैंने अपने जिला कलेक्टर के साथ फोटो खिंचवाई है। वो बंटी पालीवाल जी थे, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि, और वहीं आपके डायरेक्टर लोग थे, दिलीप भाई वगैरह सभी लोग है ना, मैंने वहाँ पर फोटो खिंचवाई। और सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की है। बाकी उनने बताया कि स्कूल में पहले कैसी शिक्षा थी, आज कैसी है वर्तमान में और भविष्य में कैसी होगी, इस विषय में भी बच्चों ने प्रदर्शन किया है। इसलिए स्कूल के समस्त स्टाफ को और समस्त स्कूल के डायरेक्टरों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। आपको हमारे स्कूल में आके कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा और हम अपने आप को और बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी बच्ची डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। और आज के कार्यक्रम को देखते हुए हम ये मैसेज सभी लोगों को, बरेली में स्पेशली सभी लोगों को देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल से जुड़ें, जिससे बच्चों का विकास और उनको सही शिक्षा और एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको जो और बच्चों को मिल रहा है, सभी बच्चों को डेफोडिल्स में मिले। यस।